सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार दोस्तों, KIA में आपका स्वागत है। और आज से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है निरोगी भव। निरोगी भव के एपिसोड्स में हम आपको वीकली एपिसोड देंगे और हफ्ते में एक बार हर शुक्रवार को आपको निरोगी भव का एपिसोड देखने को मिलेगा, जिसमें हम आपको बताएंगे, हर एपिसोड में एक नई बीमारी के बारे में बताएंगे और हम आपको उसके बचाव क्या होने चाहिए, उसके उपाय क्या हैं, उसके लक्षण कैसे हैं, ये सारी चीजें बताएंगे। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं हीट स्ट्रोक के बारे में। इन दिनों बढ़ते हुए तापमान से सभी परेशान हैं। मई के महीने में अपने तापमान से कहर बरपा रही गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है और ज्यादा गर्मी होने के कारण लोगों को बीमारियां होना शुरू हो गई हैं, जिसमें लोगों को सबसे ज्यादा खतरा हीट स्ट्रोक से रहता है। हीट स्ट्रोक के कारण आपकी मौत भी हो सकती है। हीट स्ट्रोक को लेकर जब हमने डॉक्टर मनोज कुमार, प्रोफेसर फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज से बात की तो उन्होंने क्या बताया। मैं डॉक्टर मनोज कुमार इस समय एएसएमसी फिरोजाबाद में कार्यरत हूँ, एसओटी मेडिसिन और प्रोफेसर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस समय उत्तर भारत का जो टेम्परेचर है, एटमोसफियरिक टेम्परेचर है, वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, हीट वेव चल रही है और टेम्परेचर 40, 42, 45 तक ही जा रहा है। ऐसे में जो परेशानी जो हो जाती है एक आम आदमी को या किसी पुरुष को या किसी महिला को या बच्चों को, तो वो तापमान के ज़्यादा होने की वजह से उसके नॉर्मल जो फंक्शन है बॉडी के वो डिस्टर्ब होने लगते हैं और उसमें कुछ इनएक्टिविटी भी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से वो परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो इस कंडीशन को हम हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन या हीट क्रैम्प्स या और भी तरह के बेहोशी तक काफ़ी समय तक बना रखा जाए और उसका कोई इलाज ना किया तो इवन डेथ भी हो सकती है। हाई टेम्परेचर के कारण जो नॉर्मल बॉडी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है उसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। वैसे तो ये किसी भी उम्र में सभी लोगों को हो सकता है, 50 साल के ऊपर वाले वृद्ध जो लोग होते हैं और भी बीमारियों से पीड़ित होते हैं और वो किसी भी कंडीशन में ज़्यादा देर तक एक्सटेंड नहीं कर सकते रहने से, जिसकी वजह से वो उनको ये हीट स्ट्रोक की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। लेकिन हो किसी भी स्टेज, किसी भी उम्र में ये सब हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि इस हमारे बॉडी एक निश्चित टेम्परेचर पर काम करती है जो कि यूजुअली 37 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में सुबह से लेकर शाम तक रहते हैं। जब ये किन्हीं कारणों से या एक्सपोजर के टाइम से, हीट एक्सपोजर या ज़्यादा वार्म एटमॉस्फियर या एक्सरसाइज या कोई लंबे समय तक बाहर हीट वेव एटमॉस्फियर कंडीशन में रहें तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर हो जाए तो हमारे शरीर के अंदर में बॉडी टेम्परेचर के बढ़ने से जो नॉर्मल सिस्टम में जो हमारी एक्टिविटी चल रही होती वो रुकने लगते हैं या हाइपर हो जाती है, जिसकी वजह से हमें काम करने में या अपने एटमॉस्फेयर में बहुत दिक्कत आती है। तो इसके पहले लक्षण में वाइज इसको अगर देखें तो सबसे पहले हमें प्यास ज़्यादा लगेगी, मुंह सूखने लगेगा, शरीर में बाहर से टेम्परेचर देखने पे गर्म लगेगी, हीट एग्जॉशन में तो पसीना आ जाता है लेकिन जब हीट स्ट्रोक ज़्यादा हो जाता है तो ड्राइनेस ऑफ हो जाती है, स्किन शुष्क हो जाती है, सिर दर्द होने लगता है, वोमिटिंग हो सकती है, कन्फ्यूज़न होता है, मतलब थोड़ा हमारा ओरिएंटेशन बिगड़ सकता है। इवन यदि हम किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं जैसे एपिलेप्सी है या और भी कोई ब्रेन, तो दौड़े भी पड़ सकते हैं, बेहोशी भी कन बन, और अगर लंबे समय तक खुले पड़े रहे या उसको एक्सपोजर नहीं किया तो कोमा में और इवन डेथ तक भी हो सकती है। इसको जैसे ही हमें पता लगे कि हमारे शरीर में क्या टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है या हमें हीट स्ट्रोक होने की संभावना है तो हमें तुरंत सबसे पहले किसी छाया वाली जगह पे या ठंडी जगह पे अपने आप को ले जाना चाहिए या किसी की मदद से वहाँ पे पहुँचना चाहिए।
और उस बॉडी का टेम्परेचर कम करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। पानी दोनों तरीके से, यदि हम पिए तो उसको अभी शुद्ध पानी चाहिए पीने के लिए, और शरीर में बॉडी टेम्परेचर करने के लिए ठंडा कोल्ड वाटर से शरीर को, पूरे शरीर को रैप कर दिया जाए, वाश सब कर दिया जाए, ठीक। और बर्फ़ मिल जाए तो कुछ जगह पे, जैसे आर्म पिट है, न्यूक्ल एरिया है, इन जगह पे बर्फ़ की मालिश करके बॉडी का टेम्परेचर जितनी जल्दी से जल्दी हो कम कराएं, और ज़रूरत पड़े तो हमें एक ठंडे पानी या बर्फ़ के टब में तक लिटाया जा सकता है। तो बॉडी टेम्परेचर कम कराएं जल्दी से जल्दी। परहेज के लिए तो ये है कि बहुत ज़्यादा हम ऐसा काम ना करें कि जिससे कि हमारा बहुत प्रोलॉन्ग एक्सपोजर रहे, काफ़ी समय तक हम धूप में या उसमें ना करें। एक्सरसाइज भी यदि हम उतनी करें जितना कि हमारा शरीर टॉलरेट करे, टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ने बंद। और कोशिश ये करें कि हम ज़्यादा लू में निकलना ही पड़े इमरजेंसी, तो पूरा ज़्यादा से ज़्यादा अपना कपड़े ढके रहें। इस समय तो नहीं, पहले के टाइम पे एक वो आम चूर चलते थे, पन्ना चलता था आम का, ये सब थोड़ा पानी, इलेक्ट्रोलाइट, पुदीना का पानी, ये सब पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते ना, किसी भी फॉर्म में पिए, थोड़ा नमक पानी चीनी मिला के घोल बना के पीते रहें, पानी को उपयोग ज़्यादा करते रहें, पानी ज़्यादा पीते रहें, और थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप को छाया में करते रहें, लगातार काम न, एक घंटे डेढ़ घंटे से ज़्यादा काम न। जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि हीट स्ट्रोक एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसके चलते इंसान का जीवन खतरे में आ सकता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी बॉडी में हीट स्ट्रोक जैसे लक्षण, जैसे सिर दर्द होना, गला सूखना, चक्कर आना, बॉडी का तापमान बढ़ जाना दिखाई देते हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर से राय लेनी चाहिए और अपनी बॉडी को सबसे पहले ठंडा करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद, उसके साथ साथ आप जो भी काम कर रहे हैं उसको बंद करके कूलर या किसी ठंडी जगह पर जाकर रेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप घर से बाहर काम कर रहे हैं या धूप में काम कर रहे हैं और आपको हीट स्ट्रोक जैसा फील हो रहा है, तो तुरंत किसी पेड़ के नीचे या किसी छाया वाली जगह जाकर बैठ जाइए और ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहना चाहिए। उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, आपको कुछ नई जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाँ, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए एकदम फ्री है। हाँ, एक और बात, अगर आप अपनी राय या अपना कोई भी सवाल हमारे डॉक्टर से पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। अगले एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि आपके उन सवालों का जवाब दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।